महाराष्ट्र के गढ़चिरोली के ग्यारहबत्ती इलाके के नजदीक आज तड़के हुए नक्सली हमले में 3 जवान शहीद। स्पेशल रिस्पांस टीम के जवानों को घात लगाकर निशाना बनाया गया। इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान जारी। उच्चतम न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया जिसमें निजी रेडियो स्टेशनों को समाचार प्रसारण की अनुमति देने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और पैसा बांटने को लेकर मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को नोटिस जारी किया। भोपाल में 14 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में विजयवर्गीय द्वारा आदर्श आचार संहिता की आलोचना करने का लिया गया संज्ञान। फैलिन तूफान के बाद हुई बारिश से ओडिशा के कई भागों में बाढ़ की स्थिति बनी। बिहार बंगाल सहित दूसरे राज्यों में हालांकि बारिश में कमी हुई लेकिन कई भागों में जलभराव से हैं लोग परेशान। ओडिशा के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था हुई ठप। बिजली बहाली के लिए केंद्रीय सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फैलिन तूफान और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए केंद्र से 10 अरब रुपए की अग्रिम धनराशि की मांग की। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने शारदा चिटफंड घोटाले की अपनी जांच के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुणाल घोष को तलब किया। विधाननगर पुलिस इसी घोटाले के संबंध में पिछले एक माह में उन्हें 6 बार तलब कर चुकी है। राजधानी शताब्दी और दुरंतो जैसी डिलक्स गाड़ियों में खान पान की दरों में कल मध्य रात्रि से 15 से 65% तक की वृद्धि लागू जिससे इन गाड़ियों का टिकट 3 से 5% तक महंगा हो जाएगा। शेयर बाजार में देखी गई बढ़त, सेंसेक्स 33 अंक की बढ़त के साथ 20,580 पर खुला। निफ्टी भी 13 अंक की मजबूती के साथ 6,102 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे की मजबूती के साथ 61.62 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। मंगलवार को डॉलर की तुलना में रुपया 28 पैसे की गिरावट के साथ 61.83 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अमेरिका को डिफॉल्ट से बचाने और केंद्रीय सरकार की कामबंदी खत्म करने के लिए अमेरिकी सीनेट के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों के बीच हुए समझौते को अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा की मंजूरी मिली। इसी के साथ अमेरिका में 2 हफ्ते से भी अधिक समय से जारी गतिरोध खत्म होता नजर आ रहा है। लाओस में लाओस एयरलाइन का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान पर सवार सभी 49 लोगों के मारे जाने की आशंका। जापान में एक शक्तिशाली तूफान के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन में लगभग 17 लोग मारे गए और 40 लोग घायल। तूफान विफा की वजह से कई घर ढह गए और भूस्खलन के बाद मिट्टी में दबे। फिलीपींस में 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 हुई। राहत एवं बचाव कर्मी फिलीपीन के लोकप्रिय पर्यटन द्वीप पर रहने वाले समुदाय तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते नजर आए।